हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक यूनिक वैकेंसी की अपडेट जो कि ऑफलाइन आई है। एयर आर्मी डिफेंस कॉलेज के अंदर फायरमैन के 15 पोस्ट के लिए ना वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि कब से कब तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल तरीके से। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सी फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज के अंदर फायरमैन की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट क्या है, 15 यानी 15 सीट्स के लिए। ये 15 सीट्स आपके लिए इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो आपको पोस्ट के मीडियम से इसको ना स्पीड पोस्ट करना होगा अपना जो फॉर्म है। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी, तो इसमें आपको कंपटीशन ज्यादा नहीं मिलेगा। और फॉर्म जो है ना आपका कब से कब तक आप भेज सकते हो मैं बता देती हूँ। आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट होगा पोस्ट के थ्रू 28 अक्टूबर से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक, मतलब लास्ट डेट है 11 दिसंबर। तो आपको उतना वेट नहीं करना है, आप जल्द से जल्द इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। फॉर्म की फी की बात करें तो ऑल कैटेगरी से ₹0 फॉर्म की फी ली जाएगी। एज लिमिट अगर देखा जाए तो आपका एज कैलकुलेट होगा एज ऑन 11 दिसंबर 2023, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए रखा गया है 7 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 4 सीट, एससी के लिए 2 सीट्स और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट्स में ये वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होगा तो आप इलिजिबल रहोगे, सिंपली अगर आपने 10 पास कर रखा है तो आप इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हो। तो फ्रेंड्स चलिए अब समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। फर्स्ट होगा आपका फिजिकल, उसके बाद होता है आपका रिटन एग्जाम, देन फाइनल सिलेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल रिटन होगा, उसके बाद क्या होगा फाइनल सिलेक्शन। इन दोनों में जो आपको मार्क्स मिला होगा ना उसके बेसिस पर एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल में आपका क्या क्राइटेरिया रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होता है। आपका होता है सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट। जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट्स मिनिमम 165 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है सभी के लिए लगभग सेम ही होती है, 81.5 टू 85 सेंटीमीटर आपको ओवरऑल सारी कैटेगरीज के लिए यही देखने को मिलेगी। और अब हम लोग समझ लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या रहेगा। आपका जो शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा उसमें क्या आपका परीक्षा लिया जाएगा, मतलब कि बाकियों में जो आप रनिंग वगैरह देखते हो ना उससे यहाँ पर अलग आपका जो टेस्ट होगा ये देख सकते हो। ये तीनों चीज आपको ना पीईटी में क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट होगा क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन बोथ फीट, मतलब 2.7 मीटर वाइड आपको गहरी खाई को ना सफाई करनी होगी और उसमें अपने लैंड करके आपको दिखाना होगा उस खाई के अंदर प्रवेश करके। उसके बाद है आपका कैरिंग अ मैन फायरमैन वेगिंग 63.5 केजी टू 183 मीटर्स, मतलब कि एक आदमी जो कि फायरमैन होगा जिसका वजन 63.5 केजी होगा आपको उसको अपने कंधे पे उठा के 183 मीटर तक आपको जाना होगा। थर्ड टेस्ट रहेगा आपका क्लाइंबिंग 0.3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट, मतलब कि जो रस्सी पे चढ़ाई करनी होती है ना अपने हाथों और पैरों की मदद से उसमें आपको 0.3 मीटर आपको चढ़ना होगा हाथ पैर की मदद से, एक रस्सी होगी उसके ऊपर। सो आई होप कि आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी समझ गए होंगे। तो फिजिकल के बाद क्या होता है, रिटन एग्जाम। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं रिटन एग्जाम में क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। आपका जो एग्जाम होता है फ्रेंड्स उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के लिए, टाइम मिलता है 2 आवर्स का,
सब्जेक्ट वाइज बात करूं अगर तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल एग्जाम की पैटर्न आपने समझ ली। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। फ्रेंड्स आपका ये पेपर ना ऑफलाइन ही होगा क्योंकि जनरली जो भी डिफेंस का एग्जाम होता है ऑफलाइन ही होता है। OMR बेस रहेगा, पेन एंड पेपर आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से वहां पर ना OMR सीट में कलर करना होगा जाके। सो आई होप एग्जाम पैटर्न भी आपको क्लियर हो गए होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि आपको सर्व कहाँ पे करना पड़ेगा, जॉब की लोकेशन क्या होगी। तो आपका जॉब लोकेशन जो होगा ना आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोलबंधा गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर आपको सर्व करना होगा। मतलब उसी कॉलेज के अंदर 15 सीट्स पे आपको ये वैकेंसी निकली है तो वहां जाके आपको सर्व करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सैलरी क्या मिलेगा, तो ज्यादा सोचिए मत, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। आपकी जो सैलरी होती है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मिलता है 19,900 रुपीज एंड आफ्टर पर्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट आपको 63,200 रुपीज की सैलरी मिलती है। सो ओवरऑल ये सारी डिटेल तो क्लियर हो चुकी है, बट अभी आप सोच रहे होंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो फिर सिंपली आप जैसा देखो आपका 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, मतलब सारा कुछ जो आपको जानकारी चाहिए ना इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पे नोटिस आपको डाल दूंगी। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सारा कुछ बताया रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि डाक टिकट का क्या है, आपको पोस्ट के थ्रू भेजना है ऑफलाइन फॉर्म, तो आपको 42 रुपीज का जो स्टाम्प होता है ना उसके थ्रू आप इसको भेज सकते हो। बाकी जानकारी अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को भी पूछ सकते हो और नोटिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक जरूर कर सकते हो फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।